गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ये मेरा जो सब्जेक्ट है हमारा जो अगला सब्जेक्ट चल रहा है जो सब्जेक्ट चल रहा था हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी है। देख कंक्रीट टेक्नोलॉजी आगे पढ़ा था जो लेक्चर मैंने कंक्रीट टेक्नोलॉजी पे बना चुका हूं मैंने। ठीक अब देखिए पिछला जो टॉपिक था कंक्रीट टेक्नोलॉजी का तो उसका रिवाइज कर दे रहा हूं। ठीक जो मैंने बताया था कंक्रीट के बारे में बताया था सीमेंट के बारे में बताया था उसका क्या हुआ था ये था रिक्वायरमेंट फॉर गुड कंक्रीट बताया था। ठीक ये भी टॉपिक फिनिश हो गई थी। उसका बताया था वेरियस कंक्रीट ऑपरेशन कंक्रीट को एक संपूर्ण कंक्रीट को बनाने के लिए एक इस्तेमाल करने के लिए संपूर्ण कंक्रीट की जितनी भी प्रोसेस होती है जितनी भी प्रक्रिया होती है मैंने आपको बता दिया था। ठीक अब आता है अगला जो टॉपिक है हमारा कंक्रीट चेन। कंक्रीट चेन मतलब कंक्रीट तो वो चीजें तो बता दे रहे क्या है कंक्रीट कहाँ इस्तेमाल है कैसे क्या चीज है तो ये कंक्रीट चेन का मतलब क्या था साइकिल मतलब एक प्रक्रिया कितने कोई अगर काम कर रहे हैं तो कितने लोगों की किस चीज की किस किस वस्तु की आवश्यकता है कितने लोगों में क्या क्या प्रोसेस होता है किस किस लेवल से होता है सारी चीजें मतलब एक कंक्रीट साइकिल में एक साइकिल कंक्रीट साइकिल वो मैं बताऊंगा उसको आपको। ठीक ये है कंक्रीट चेन। ठीक अब देखिए कंक्रीट चेन में सबसे बड़ा प्रोसेस क्या होता है सबसे पहला स्टेप होता है सप्लाई ऑफ इंग्रेडिएंट्स। सप्लाई ऑफ सप्लाई ऑफ इंग्रेडिएंट्स होता है कंक्रीट मटेरियल मतलब जो पदार्थ जो मटेरियल कंक्रीट को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं इंग्रेडिएंट। ठीक अब हम आपको बता रहे हैं अगला। ठीक उसमें देखिए इंग्रेडिएंट में क्या क्या आता है मैं आपको बता रहा हूं एक बार फिर से सीमेंट हो गया दूसरा दूसरा फाइनल एग्रीगेट होगा तीसरा फोर्थ और चौथा क्या था ये जितनी चीजें हैं सारी चीजों को होना आवश्यकता है और एक दूसरे की पूरक है एक दूसरे पे एक अगर सीमेंट आ रहा है तो उन्हें काम होगा फाइनल एग्रीगेट वाटर बन जाना तो काम होगा और देखिए अगर क्या होगा ज्यादा सीमेंट मिला देंगे तो भी दिक्कत है कम मिलाएंगे तो कम मजबूती मिलेगी। ठीक अगर ये आप बता रहे हो सीमेंट ये फाइन एग्रीगेट है फाइन मतलब क्या होता है छोटा छोटा मतलब फाइन एग्रीगेट में तो क्या होता है बालू। ठीक अब हुआ कोर्स एग्रीगेट कोर्स मतलब कोई चीजों की जो जिसकी साइज ठीक जिसका आकार थोड़ा बड़ा हो ठीक क्या हो गया उसमें गिट्टी आ जाएगी। ठीक कोर्स एग्रीगेट में क्या क्या गिट्टी और वाटर पानी डालते हैं आप लोग मतलब ये सारे चीजों का जितने चीजें हैं उसकी सही अनुपात में जब तक नहीं डालेंगे तब तक अगर सही अनुपात में नहीं रहेगा तब तक हमको वो मजबूती वो ड्यूरेबिलिटी मतलब लंबे अवधि तक चलने के लिए जो सारी चीजें हैं वो हमको नहीं मिलेंगी। ठीक देखिए ये हो गया अब आप ये कहेंगे कि सीमेंट गिट्टी बालू सब क्यों क्या इसका इस्तेमाल करने से क्या फायदा है क्या चीजें है। देखिए पहले क्या हुआ गिट्टी है ध्यान सुनिएगा गिट्टी है ठीक गिट्टी है ये गिट्टी देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कहीं जगह बचा हुआ है। ठीक गिट्टी का इस्तेमाल किए सबसे बड़ी चीज इसमें क्या होती है गिट्टी होती है गिट्टी के बाद क्या होता है बालू इससे छोटे छोटे कण बालू। ठीक पहले गिट्टी थी गिट्टी से जो जगह बचा वो किससे भर गई बालू से भी जो पतला था छोटा इतना क्या होता है सीमेंट पाउडर की तरह होता है आपने देखा होगा कभी कहीं अक्सर देखा सभी ने देखा होगा कि सीमेंट जो होता है पाउडर की तरह होता है जो पाउडर हुआ जो बालू से ये पार्टिकल्स है बालू के पदार्थ भी छोटा है तो ये जो और छोटा छोटा है क्या होगा इसका जगह ले लेगा जब इसका जगह ले लिया तो क्या होगा ये सारे एक तरह से भर गए। ठीक कहीं इसके अंदर कोई जगह नहीं है। ठीक जब जगह नहीं हुआ उसकी पकड़ अच्छी होगी तो दबाव सहने की क्षमता क्या चल जाएगा। ठीक अब समझ में आया इसका क्या इस्तेमाल है। ठीक
अब इसके बाद क्या आया, ये तो स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, ठीक क्या हुआ, अब नेक्स्ट साइकिल, साइकिल का अगला लेवल क्या है, बैचिंग। बैचिंग मतलब किसी हॉपर में किसी मटेरियल को किसी हॉपर में डालना, ठीक। अब देखिए बैचिंग कई तरह की होती है, एकदम सिंपल से बता रहा हूं आपको। टाइप ऑफ बैचिंग, टाइप ऑफ बैचिंग, ठीक। पहले क्या था, मैनुअल बैचिंग, दूसरा क्या था, मशीनरी बैचिंग। देखिए मैनुअल का मतलब क्या होगा, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी मनुष्य द्वारा जो कार्य किया गया उसको क्या कहते हैं, मैनुअल। ठीक, किसी मनुष्य द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं, मैनुअल। ठीक, तो देखिए आप छोटे मोटे घर बन रहा है कहीं, या छोटी मोटी बाउंड्री बन रही है कहीं, तो जहां तक आ सकता है, मतलब जहां व्यक्ति की पर मनुष्य की आवश्यकता होती है, मतलब कम कम काम के लिए। ठीक, जहां कम काम की आवश्यकता है, जहां कम मटेरियल की आवश्यकता है हमें, वहां क्या करेंगे, मैनुअल काम करेंगे, घर में बनाने छोटा मोटा बाउंड्री, छोटी छोटी मोटी काम के लिए। लेकिन अब मशीन क्या हुई, अब यहाँ आ गया मशीन। मशीन जहां भी होता है ज्यादा आउटपुट देता है, मतलब ज्यादा काम करता है, तो ज्यादा काम अगर करना है तो मशीन का यूज करना पड़ेगा। तो मशीन क्या करती है, जैसे आपको जेसीबी का सोच लीजिए, एक उदाहरण जेसीबी का ले लीजिए, अगर ज्यादा खुदाई की अगर जरूरत पड़ती है, गहरी खुदाई की, तो जेसीबी का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा वक्त कम रहता है तो वर्कर से लेबर से तो काम करवा देते हैं। ठीक, ये चीजें होगी। तो अब मशीन क्या करेगी, मशीन में भी दो प्रक्रिया होती है मशीन की। ठीक, क्या करेगी, जितनी मटेरियल होगी ये कंप्यूटराइज होती है, कंप्यूटराइज ये पूरी जो प्रोसेस होता है कंप्यूटर से प्रक्रिया चलती है। हमें जितनी एक अंकित दो अंकित की जितनी आवश्यकता होती है ये हॉपर से उठाएगा और सीधे बैचिंग मशीन में डाल देगा। ठीक, वैसे मशीन में डालेगा। ये क्या होता है, बैचिंग दो तरह से होता है, एक क्या होता है, एक होता है बाय वेट बैचिंग, एक होता है बाय वॉल्यूम। मतलब एक बाय वेट वजन के हिसाब से 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी, 50 केजी जितना होगा उसके हिसाब से उठाएगा, और दूसरा वॉल्यूम आइटम के हिसाब से जितना आकार होगा, जितनी आइटम मतलब जैसे हमारी ये जेसीबी का जितना बकेट हुआ, या ऊपर जितना जेसीबी का जितना बकेट होगा उतना उठाएगा, वो मैं उसमें डाल देगा। ठीक, उदाहरण बता दे रहा हूं, आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, जहां ज्यादा बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, अब बता रहा हूं उसका काम, मतलब इससे किसका इस्तेमाल, मैनुअल बैचिंग का इस्तेमाल होगा, स्मॉल बिल्डिंग, स्मॉल हाउसेस, छोटे छोटे घर होते जहां जो तुम्हारा, और मशीन बैचिंग का इस्तेमाल होगा, ब्रिज, ठीक, रोड, लार्ज बिल्डिंग, ठीक एक्सेट्रा। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये चीजें मैं आपको बता दिया मैंने, उसका क्या होगा, ये कैसे किसके द्वारा किया जाता है, अगर कम काम है बाय वर्कर, और इसके लिए क्या आरएमसी, आरएमसी रेडी मिक्स कंक्रीट, आरएमसी प्लांट बिठाया जाता है, आरएमसी प्लांट बिठाया जाता है, जहां जहां पे की आवश्यकता है वहां वहां आरएमसी चलता है। ठीक, और भी डिटेल है और आगे बताऊंगा। ठीक ना, फिलहाल इतना ही याद करिए। ठीक, बैचिंग हो गया, बैचिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ।
अब नेक्स्ट क्या हुआ, बैचिंग करिए, अब क्या करेंगे मिक्सिंग। भाई किसी चीज को रख रहे हो तो कुछ होगा ना जब तक मिलाएंगे, ठीक। मिक्स किए, मिक्सिंग मतलब क्या था, सारे कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट को मिक्स करना, ठीक। कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट को मिक्स करना, ठीक। अब मिक्स कैसे करें, कितना करेंगे, कुछ टाइम होगा ना, ऐसा थोड़ा नहीं कि 10-15 मिनट तक मिक्स करते ही रहेंगे। चला 15 मिनट तक मिक्सिंग, एक जो अपर मिक्सिंग किए 15-20 मिनट से किए और दूसरा कर रहे हैं 20 मिनट नहीं करें, कुछ नहीं करें, तो हर चीज की एक अवधि निर्धारित होती है। उस अवधि उस समय पर अगर प्रक्रिया करेंगे कार्य करेंगे तो ही सफलता, सही सफलता मिलती है, सही दिशा में जा रहे हैं सही सफलता मिलती है, ठीक। तो क्या करेंगे, 1-2 मिनट मिक्सिंग टाइम है, 1-2 मिनट तक मिक्स करेंगे, ठीक। या तो फिर ये हो सकता है, या तो 25-30 मिनट तक का रोटेशन करेंगे, 25-30 मिनट तक का रोटेशन करेंगे, या फिर 1-2 मिनट तक का, ठीक। जब इतना टाइम अगर रोटेट करेंगे, जितनी सीमेंट गिट्टी बालू जो भी चीजें हैं सारी प्रॉपरली एकदम सही तरीके से ये क्या होगा मिल जाएंगे आपस में, तो मिल जाएंगे तो ठीक मिल गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, ठीक मिल गए, उसके बाद क्या किया जाएगा, लैब टेस्ट किया जाएगा। लैब में मतलब ये भी तो टेस्ट किया जाएगा, ये मटेरियल बन तो गया सही है गलत है, अच्छा है खराब है, मजबूती देगी या नहीं देगी, उसको क्या करेंगे लैब टेस्ट में करेंगे। लैब टेस्ट के लिए उसको रखेंगे, ठीक। जैसे कौन टेस्ट करते हैं, क्यूब टेस्ट होता है, ठीक, 150-150 mm का ये डायमेंशन होता है इसका, ठीक। तो इसे स्ट्रेंथ पता चलती है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक। आगे स्ट्रेंथ वाली चीजें आपको आगे लेक्चर में आगे टॉपिक में जब क्लियर बता दूंगा, ठीक। जब टेस्ट ऑफ उसमें बताऊंगा क्लियर बताऊंगा, फिर आप फिर देख लीजिए। लैब टेस्ट किए, लैब टेस्ट से जब पास हुआ, जब मतलब लैब टेस्ट मतलब किए इसे 28 दिन बाद रिजल्ट आता है, तो लैब टेस्ट जो आगे किया जाएंगे ट्रांसपोर्टिंग, मतलब देखिए ऐसा होगा ये हमने बना दिया लैब टेस्ट और किसी ट्रांसपोर्ट कर ले किए। अब ये सोचिए कि कंक्रीट सेट भी होता है, 40-45 मिनट में सेट हो जाता है, कोई 15 मिनट में कंक्रीट कोई सेट हो जाती है सिर्फ, और कोई 1.5-2 घंटे में सेट होता है, ठीक। अब मैं मुझे ट्रांसपोर्ट करना, मुझे कितना दूर लेके जाना, 25 किलोमीटर दूर लेके जाना है, ठीक। 25 किलोमीटर दूर लेके जाना है तो टाइम भी लगेगा जाने, तो क्या करेंगे सबसे पहले चीज कि ऐसी जगह से इसको लेके जाएंगे जहां जाम ना लगे, ठीक। जाम ना लगे, अगर कहीं रास्ते में अगर आपका सोचिए अगर जाम लग गया तो कॉन्क्रीट उसी ऊपर में सेट हो जाएगा, जब सेट हो जाएगा ये तो हमारा ले जाने का कोई मतलब नहीं हुआ, तो क्या करेंगे ऐसा रूट जहां पे जाम ना हो, ठीक। ये हो गया, उसका क्या करेंगे, जो हॉपर हो वो रोटेट करता रहे, अगर हॉपर रोटेट नहीं करेगा तो भी सेट हो जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर, सबसे बड़ी तापमान जो होती है अगर गर्मी के समय में अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो भी ये सेट होने लगेगा, ठीक। ये हो गया ट्रांसपोर्टिंग, मतलब कि ट्रांसपोर्ट भी हमको सही समय पे मिलना चाहिए, अगर सही समय पे नहीं मिला तो भी बनाने से हमारा कोई फायदा नहीं, ठीक। देखिए एक एक चीज एक एक दूसरे पे आत्मनिर्भर है, सब एक दूसरे पे आत्मनिर्भर है, ये सब चीजें चल रही है, ठीक। ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट हमने किया, उसका नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, ठीक, ट्रांसपोर्ट तो चले गए, अब ट्रांसपोर्ट हो गया, गाड़ी वहां से पहुंच गया, अब प्लेसिंग समय, क्या था प्लेसिंग, मतलब कि प्लेस करेंगे, अगर कहीं पे गिरा रहे हैं कंक्रीट प्लेस कर रहे हैं, भाई गिराना तो वो भी तो होना चाहिए। दो चीजें आती प्रॉब्लम से मेजर बड़ी चीज, दो चीजें आती हैं प्लेसिंग में,
दो चीजें कृषि में बड़ी चीज दिक्कतें आती है। ठीक, पहले क्या है, पहले तो सर ये ध्यान देना पड़ेगा हमको कि कितनी ऊंचाई से गिरा रहे कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट कितनी ऊंचाई से गिराना चाहिए ताकि कॉन्क्रीट खराब ना हो। उसमें दो प्रोसेस आती है, दो दिक्कतें आती है प्लेसिंग के समय, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही क्लियरली और ये बहुत ही बड़ी समस्या है। ठीक, पहले क्या आता है, ब्रीडिंग, क्या होता है कंक्रीट को एक से डेढ़ मीटर के हाइट, नॉट मोर देन दूरी से ऊंचाई से अगर गिराएंगे तो ये दोनों प्रॉब्लम हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे ये प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्या है, ब्रीडिंग सेग्रीगेशन। ब्रीडिंग मतलब सोचो जैसे कि खून निकलना, खून ब्लड, खून ब्लड, ब्लडिंग करते हैं ना, मतलब खून जहां तक निकलना होता है, और ब्लडिंग मतलब खून जहां तक एक लिक्विड है, मतलब खून निकलना, खून एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, खून निकलना नहीं था, खून निकलना वही कह रहा है, एक एग्जाम्पल है, खून क्या लिक्विड जैसा होता है, लिक्विड हुआ तो लिक्विड, अगर सोचिए अगर सीमेंट कॉन्क्रीट में से अगर मेन पानी जो लिक्विड है जो स्लरी में निकल गया, जो जो बाल्टी जो बांधता है, जो गोंद का बांधने का काम का, अगर वो निकल गया तो आप बताइए क्या चिपके, क्या बॉन्डिंग बॉन्ड बना पाएगा, क्या चिपक पाएगा, या इसकी मजबूती घटेगी या बढ़ेगी, इसकी सारी मजबूती सारी जो चीजें हैं सब कुछ खत्म हो जाएगी अगर ये निकल गया, ब्रीडिंग पानी से निकल गया तो क्या खत्म हो जाएगी। ठीक, इसीलिए बिना गिट्टी बालू के क्या बॉन्ड बना पाएगा, क्या ये मजबूती देगी, तो भी नहीं हो पाएगा, भी नहीं हो पाएगा, बिना पानी के तो भी नहीं, मतलब ये सोच लीजिए कि ये कितना बड़ा भूमिका निभा रहा, मैंने सब कुछ किया, अगर सही दूरी पे अगर इसको अगर सही ऊंचाई से अगर नहीं गिराया तो ये मेरा सब कुछ ये मटेरियल जो मैंने 10 लाख 15 लाख जो भी चीजें 10,000 कितनी की भी चीजें ये क्या हुई हमारी खत्म हुई। अब सोचिए एक एक लेवल का कितना जरूरत है यहाँ पे, ठीक, ये हुए प्रेसिंग, प्रेस कर दिए प्रॉपरली, प्रेस कर दिए, नेक्स्ट ऑपरेशन जो है आपका कॉम्पैक्टिंग, कॉम्पैक्टिंग, कॉम्पैक्टिंग ऑफ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट को दबाना, कॉन्क्रीट को दबाना, आप सोचिए कॉन्क्रीट को दबाने से क्या फायदा होगा, कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन कैसे किया जाता है, ठीक, वाइब्रेटर का नाम सुना होगा आपने, वाइब्रेटर, वाइब्रेटर मतलब जो वाइब्रेट करे, कंपन करे, जो कंपन करे और कंपन करके क्या कहते हैं, जो मटेरियल जितनी है उसको सेटल करना, आपस की जो दूरी रहती है उस दूरी को कम करना देता है, मैं आपको इसे समझा रहा हूं ये क्या है कॉन्क्रीट मटेरियल होगा, ठीक, कॉन्क्रीट मटेरियल जब उसको वाइब्रेटर का यूज करेंगे, जब वाइब्रेटर का, वाइब्रेटर एक मीडियम होता है, वाइब्रेटर जो वाइब्रेट करने कंपन करने के लिए होता है, इस तो इस्तेमाल में ये जितनी पार्ट की मटेरियल पदार्थ है क्या होगा, ये अपने 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 जगह पे आ जाएंगे, मतलब जो ये गैप जो बचा हुआ है ये गैप नहीं रह जाएंगे, ठीक, ये गैप नहीं रह जाएंगी, मतलब ये चिपक जाएंगे आपस में। और दूसरी बात, इसमें जो एयर रहेगा, एयर जो एयर जो एयर है उससे बाहर निकल जाएगा, जब एयर बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक, कॉम्पैक्शन हो जाएगा तो पार्टिकल्स और भी नजदीक आ जाएंगे, ठीक,
एक फायदा होगा हमारा कॉम्पैक्टिंग का। बिना कॉम्पैक्टिंग के क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है मैं बता रहा हूँ, विदाउट कॉम्पैक्टिंग का प्रॉब्लम क्या आता है आपका। पहला प्रॉब्लम सीपिंग, पहले बॉन्डिंग, लेस बॉन्डिंग, लेस बॉन्डिंग स्ट्रेंथ आ गया। दूसरी बात क्या, दूसरा क्या आएगा सी पे, सी पे मतलब, सी पे मतलब रिलीज कर, ये क्या होगा लेस बॉन्डिंग मतलब उसकी बांधने की जो क्षमता है वो खत्म हो गई, कम हो गई। ठीक, जब कब क्षमता कम हो गई तो कम काम करेगा, कम काम करेगा तो मतलब हमारा नुकसान होगा। ठीक, दूसरा क्या होगा सी पे, सी पे मतलब किसी चीज का रिसाव। अगर देखिए सोचिए, आप ही सोच लीजिए, ये कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े, जहां पे कहीं भी गैप नहीं है, कहीं भी छिद्र छिद्र नहीं है, ये पानी नीचे रिसाव नहीं होगा। अगर ये चुटकी, ये पार्टिकल ये इतना है, अगर ऐसा है इतनी दूरी पर अगर है, तो अगर इसमें पानी जाएगा तो इसका रिसाव तेजी से होगा, इसलिए रिसाव होगा बहुत धीरे धीरे, बहुत कम होगा। तो क्या करता है, इसकी रिसाव रोकता है, कॉम्पैक्ट कर देता है। ठीक, ये चीजें होगी कॉम्पैक्टिंग। ठीक, ये आशा करता हूं कि ये क्लियर होगा आपका, ये टॉपिक आपको कॉम्पैक्टिंग। कॉम्पैक्टिंग कर दिए, अब क्या हो गया फिनिशिंग। फिनिश करना मतलब इसको आकार देना, फिनिश करना। हर कलाकार चाहे कोई भी चीज हो, वो अपनी आकृति को, अपनी कलाकृति को एक अंतिम रूप देता है, तो यही अंतिम रूप देना होता है। ठीक, ये अंतिम रूप देता है, मतलब कि यहाँ हमारी जो चीजें है उसको सही आकार। सोचिए अगर सीमेंट मैंने छत की ढलाई करवाई, ठीक, ये तो एक प्लेन है, ठीक हो जाते अगर, लेकिन किसी क्या क्या दूसरा क्या छत ऐसे है। ठीक, अगर आप इसके ये अच्छा है या ये अच्छा है, आपके लिए ये अच्छा है, जब ये अच्छा है तो इसने आपने फिनिश अच्छा किया है, अच्छे से कर लिया, अच्छे से सारी चीज इस्तेमाल किया है, तब जाके आपको ये हुआ है। अगर ऐसा रहता तो आपको किसी को ना अच्छा लगेगा। तो ये क्या फिनिशिंग किया है, सही उसको सही आकार दिया है। ठीक, फिनिश कर दिए, फिनिशिंग हो गई। ठीक, फिनिशिंग सही हो गई हमारी, फिनिशिंग का मतलब सही सरफेस, सही चीजें सब कुछ। ठीक, फिनिशिंग हो गई। उसके बाद क्या हुआ लास्ट, उसका क्या होगा फिनिशिंग होगी कंप्लीट होगी। अब क्या हो गया हमारे क्यूरिंग, क्यूरिंग मतलब क्यूरिंग क्या होती है तराई, सबसे बड़ी चीज सारी चीजें मैंने कर ली, बस क्या नहीं की तराई नहीं की, सारी चीजें मैंने कर ली तराई नहीं की तो क्या हो गया, ये क्या हो गया यूजलेस, किसी काम का नहीं रह गया, किसी काम का भी नहीं रह गया अगर मैंने अगर उसकी तराई नहीं की। तराई में क्या होता है, देखिए तराई क्यों की जाती है, उसको क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, जब उससे जो भी जो सीमेंट से अगर जब सीमेंट को में अगर पानी डालेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, जो रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर निकलता है, उस टेम्परेचर की वजह से जब स्टीम निकलती है उसमें जो भाप रहता है, जो भाप रहता है वो बाहर निकलता है। ठीक, वो जब बाहर पूरा निकल जाएगा तो फिर इसकी स्ट्रेंथ मजबूती कम हो जाएगी। ठीक, तो क्या करते हैं उसी वही स्टीम वही भाप बाहर ना निकले उसी के लिए क्यूरिंग करते हैं। ठीक, उसी के लिए तराई करते हैं। तराई कब की, अब होता है तराई की टाइम होती है, तराई कब करनी चाहिए 10 से 12 घंटे बाद करनी चाहिए तराई। ठीक, तराई 10 से 12 घंटे बाद करेंगे। अब बताते हैं आपको तराई के बारे में। ठीक, अब तराई क्या है पूरी डिटेल में बता रहे हैं, तराई क्या आती है, कैसे होनी चाहिए। ठीक, ये पूरी आपको कंप्लीट जो साइकिल है पूरी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, हर चीजें मैंने बेसिकली छोटी छोटी बता दी है। ठीक, अब बता रहा हूं आपको क्यूरिंग के लिए। ठीक, कितने तरह की क्यूरिंग होती है। ठीक, क्यूरिंग मेड पाइप, पाइप की तरह क्यूरिंग की जाती है, डायरेक्ट पाइप से क्यूरिंग की जाती है। ठीक, पाइप से क्यूरिंग की जाती है। ठीक,
दूसरा क्या था बाय गलती सीमेंट का बालू की एक क्यारी टाइप की क्यारी टाइप बना देंगे, एक एरिया ऐसे हमको बना देंगे ताकि ये जो पानी है यहाँ का पानी यही रहे और यहाँ का पानी यही रहे, ताकि इधर का पानी इधर रहे इधर का पानी इधर रहे, ताकि इतना टाइम रहे। ये हो गया टाइम ऑफ क्यूरिंग। अब क्यूरिंग का टाइम, क्यूरिंग कब करनी चाहिए? 8 से 10 से 12 घंटे बाद क्यूरिंग करिए आप, ठीक। और देखिए ठंडी है, ठंड में कम क्यूरिंग की जाती है, ठंड में कम क्यूरिंग कम की तराई कम की जाती है ताकि ठंड का मौसम है तो उसमें जो स्टीम है जो भाप निकलेगा वो कम तेजी से निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा तो कम तराई की जाती है। गर्मी में ज्यादा की जाती है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तापमान अगर ज्यादा है तो जनरली वो ज्यादा स्टीम जल्दी तेज निकलेगी, तो क्या होगा हमारे कॉन्क्रीट को लॉस करते जाएगा, कॉन्क्रीट से अगर तेज स्टीम जल्दी निकल गई तो क्या होगा क्रैक करने लगेगा, क्रैक कर देगा या फिर हमारी स्ट्रक्चर हमारी जो भी चीजें हैं उसको क्रैक करेगा या फिर उसकी मजबूती को कम कर देगा। ठीक, ये हो गया।